नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और अगले आधे घंटे हम फोकस करेंगे ग्लोबल बाजारों से, शुरुआत कैसी हो रही है, साथ ही खबरों वाले शेयर्स, कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे कौन कौन से आए, और हमेशा की तरह कमोडिटी मार्केट का एक्शन भी आपके सामने रखेंगे एक एक करके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की, और सबसे पहले एशियाई बाजारों पर नज़र डालें तो शुरुआत काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। गिफ्ट निफ्टी देखिए हरे निशान में है, करीब 40 अंक ऊपर। बाकी अगर मार्केट्स को देखेंगे तो वो भी अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार 423 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं 1% ऊपर। कोरिया के बाजारों में भी करीब 2% की तेज़ी। चीन के बाजार भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार हल्के लाल निशान में है, लेकिन सपाट कारोबार यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अच्छे संकेत आ रहे हैं एशियाई बाजारों से, पॉजिटिव यहाँ पर शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। वहीं अन्य मार्केट्स पर नज़र डालें तो अमेरिकी बाजारों से भी अच्छे संकेत हैं, और डाउ जोन्स में लगातार चौथे दिन हमने देखा कि तेज़ी देखने को मिली, और कल के दिन भी करीब 170 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं S&P 500 और नैसडैक में भी हमने देखा कि 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, और वहां पर भी लगातार तीसरे दिन हमने बढ़त के साथ कारोबार देखा। अब बात यही की जा रही है कि जिस तरीके से लेबर मार्केट के आंकड़े आए उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि बाजार में तेज़ी बनी हुई है, और अब ब्याज दरों में कटौती की संभावना जो कि पूरी तरीके से खारिज की जा रही थी, माना जा रहा है कि इस साल एक कटौती देखने को मिल सकती है। इस बीच फेड ऑफिशियल्स के बयान भी आए हैं, उन्होंने ब्याज दरों में कटौती की बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि अभी वो पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं महंगाई के आंकड़ों पर। बाकी सारे आंकड़े एक तरफ लेबर मार्केट, जीडीपी के आंकड़े जो भी आ रहे हैं, लेकिन उन फेड ऑफिशियल्स का और फेड का पूरी तरह से फोकस बना हुआ है कि महंगाई के आंकड़े क्या आ रहे हैं, और जब तक महंगाई के मोर्चे पर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं आ जाते, 2% जो उनका लक्ष्य तय था उसके आसपास जब तक नहीं टिकते हैं महंगाई का आंकड़ा, तब तक वो ब्याज दरों में कटौती को लेकर जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस तरीके के बयान निकल कर आ रहे हैं फेड ऑफिशियल्स की तरफ से। एक और चीज़ हुई कल, गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव की भी अब बातचीत तेज हो रही है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन भी कम हुई, जिसके चलते हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में तेज़ी थी गाजा के युद्ध विराम प्रस्ताव पर, लेकिन अभी भी अनिश्चितता बरकरार है। और हमास ने मिस्र और कतर के गाजा संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसराइल की तरफ से अभी भी जवाब आना बाकी है। तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन एक टेंशन कम होने की तरफ अब चीज़ें बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसराइल की तरफ से अभी चीज़ें अभी क्लैरिटी आना बाकी है। तो एक और डेवलपमेंट हुआ। इसके अलावा काफ़ी सारे आंकड़े आने वाले हैं, अर्निंग सीजन अभी तक अच्छा गया है यूएस में। आज डिज्नी, यूबीएस और तेल कंपनी बीपी के आंकड़ों पर नज़र रहेगी, और इसके अलावा एक के बाद एक फेड ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आ रहे हैं, उस पर भी हमारा फोकस बना हुआ है। यूरो के बाजार से भी संकेत अच्छे हैं। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पर अगर नज़र डालेंगे तो दरों में कटौती को लेकर अभी भी अनिश्चितता बरकरार है, जिससे कि बॉन्ड यील्ड्स में हमने हल्की तेज़ी देखी। हालांकि अभी भी 4.5% के नीचे हैं नंबर्स, लेकिन हल्की तेज़ी वहाँ पर थी। सोना और कच्चे तेल में एक दायरे में कारोबार हो रहा था। कॉमिक्स गोल्ड का भाव देखें तो $2325 और ब्रेंट का भाव $83 के पास कारोबार कर रहा है, और यहाँ पर भी अभी ऑयल मार्केट वेट कर रहा है कि जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स होते हैं हमास और इसराइल के बीच आगे डेवलपमेंट किस तरीके से होते हैं, उस पर अब दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है। उसके पहले हम देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट एक दायरे में कारोबार कर रहा है। कुल मिलाकर अगर आज के लिए देखें तो संकेत अच्छे हैं ग्लोबल बाजारों से भी, लेकिन भारतीय बाजारों की अपनी चाल है, और यहाँ उतार चढ़ाव बना हुआ है एक के बाद एक, और हम देख रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से एक के बाद एक जो चुनावी माहौल चल रहा है, इलेक्शन तक एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि इस तरह का उतार चढ़ाव बना रह सकता है। कल का मार्केट भी कुछ ऐसा ही था, और जो क्लोजिंग हुई वो 22,400 के ऊपर देखने को मिली। एक बार FIs और DIs के आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में FIIs बिकवाली करके गए, और कल 2,170 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा है FIIs की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ DIIs की बात करें तो कैश मार्केट में खरीदारी हुई है, और 780 करोड़ की खरीदारी हुई है उनकी तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में FIIs ने खरीदारी की 536 करोड़ की। वहीं इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 11,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली FIIs करके गए हैं। तो FIIs की तरफ से संकेत अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। तो आज के लिए भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस स्तरों पर आपको नज़र रखनी है,
ये पूरा डिटेल और अपडेट लेकर हमारे साथ डिम्पी कावरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लेवल्स पर नजर रखें। गुड मॉर्निंग पूजा, देखिए कल और परसों का अगर आप मार्केट चेक कर रहे होंगे तो जो लेवल्स हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के बीच में भी मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे रहा। वो लेवल्स क्या है? वो है 22,400-22,200 का सपोर्ट। आप कल चेक कर लीजिए, 22,400 के आसपास का एक सपोर्ट आपको मिला हुआ है, 22,200 का एक सपोर्ट है। सेम रेजिस्टेंस आप चेक करेंगे तो 22,500-550 का रेजिस्टेंस एरिया भी है। तो फिलहाल मार्केट के अंदर ये रेंज अभी बरकरार है। इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, इंडिया विक्स ये हर दिन बढ़ रहा है और नॉन स्टॉप बढ़ रहा है और आप कल भी देखेंगे कल करीब 13% के आसपास का इसमें इजाफा हुआ है। इंडिया विक्स में भी आपको शांति से नहीं बैठने देगा, लेकिन 12.5 का विक्स तो हम फिर हमारी रिक्वायरमेंट रहती है 12.5 से 13 की, लेकिन उसके बाद जो विक्स बढ़ रहा है ये मार्केट के लिए उतना ठीक नहीं है क्योंकि विक्स के बढ़ने से मार्केट के अंदर एकदम से एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी होगी और ये वॉलिटिलिटी ना रिटेल्स के लिए और अच्छी नहीं है। मैं उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि पिछले 10 दिन से अगर DIs का कामकाज आप देखेंगे ना तो नहीं है। जो काम हो रहा है वो FI और रिटेल के बीच में हो रहा है, यानी कि जो रीच के लेयर होती है FI और रिटेल के बीच में पूरी तरह से एब्सेंट है। यानी कि अगर वो FI ऊपर आ जाता है कुछ दिक्कत हो रही है डिम्पी से, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक तरीके से। डिम्पी हम वापस से आपसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लाइन में थोड़ी डिस्टरबेंस है। लेकिन निफ्टी के और बैंक निफ्टी के जो अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो हम आपको बता देते हैं। पिछले कुछ समय से जो आपको लेवल हम हाईलाइट कर रहे थे उसी दायरे के बीच बाजार कारोबार कर रहा है। ऊपर की तरफ अहम रेजिस्टेंस 22,550, सपोर्ट जो नज़र आ रहा है वो 22,400 से 22,200 का, इसी रेंज में बाजार कारोबार कर रहा है। और बैंक निफ्टी का भी लेवल देखेंगे तो 49,300-49,500 ये अहम रेजिस्टेंस लेवल है। ऊपर की तरफ 48,800 से 48,500 ये हैं लेवल्स, सपोर्ट लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए। इस बीच आपके स्क्रीन पर देखिए साइड में कुछ तस्वीरें आ रही होंगी, चुनावी माहौल है, आज तीसरा फेस है और अहमदाबाद के रानी बूथ पर PM मोदी वोट कास्ट करने पहुंच चुके हैं। ये वहां से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर वो चल रही हैं। तो अहमदाबाद के में वोट डालने PM मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं, ये आप वहां पर देख रहे होंगे। सुबह सुबह उन्होंने निर्णय लिया था कि वो पहुंच जाएंगे और ये देखिए वहां पर काफ़ी उत्साह है लोगों के बीच। और इस वक्त देखिए 7:30 बज रहे हैं और सुबह सुबह भी लोगों की भीड़ और उत्साह आप देख सकते होंगे। साथ में उनके अमित शाह भी मौजूद हैं जो उनके साथ वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। और इस वक्त PM मोदी वोट डालने पहुँचे, वहाँ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो चुनावी माहौल का पूरा एक्साइटमेंट बना हुआ है, बाज़ार में भी हम उसका जो असर है वो देख रहे हैं क्योंकि ग्लोबल बाज़ारों की चाल तो अपनी तरफ चल रही है, लेकिन भारतीय बाज़ारों में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पिछले एक हफ्ते से इतना वॉलेटाइल सेशन है, अपनी चाल चल रहा है, पूरा का पूरा जो एक्शन है इस वक्त वो चुनाव का बाज़ार पर भी दिखाई दे रहा है। और एक्सपर्ट्स यही मांग के चल रहे हैं कि आने वाले समय में चुनावी नतीजों तक आने तक ये वॉलेटिलिटी आगे भी बनी रहेगी। तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है इस वक्त भारतीय बाज़ारों पर चुनाव का। चलिए इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी क्योंकि तीसरे फेज की वोटिंग भी है, तो वहाँ से भी सीधी तस्वीरें और वोटिंग माहौल कैसा है वो हम देख कर आएंगे। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि वोटिंग टर्नआउट, जो वोटर टर्नआउट है वो इतना अच्छा कुछ फिलहाल देखने को नहीं मिला। अब देखना होगा यहाँ से किस तरीके से टर्नआउट देखने को मिलता है, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी और उसका भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भारतीय बाज़ारों पर रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी से तो हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अजीत जी थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे भी जानना चाहेंगे आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है और किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा देखिए जिस तरीके से कल का सेशन एक मीटर स्टार्ट रहा वीक का, और कहीं ना कहीं बावजूद इसके कि ग्लोबल क्लूज काफी स्ट्रांग थे, मार्केट में हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं वही इंडिकेशन दिख रहा है कि इंडिया विक्स जो कि करीब अभी पिछले करीब 6-7 सेशन में करीब 40% की जहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं आपको अब
सेंटिमेंट्स को डेंट करने लगा है, और बावजूद उसके कि ग्लोबल मार्केट के क्लोज पॉजिटिव है, हायर लेवल्स पे आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो ये ट्रेंड हो सकता है शायद कंटिन्यू रहे, और नियर टर्म में मुझे लगता है कि आपका 22,550 से लेकर 650 का जोन है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बना रहेगा। 400 के नीचे पूजा अगर हम जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको प्रेशर मार्केट में बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अभी कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड बायस है, आप कह सकते हैं 22,400 से लेकर 22,600 का जोन, जब तक कि आप आइदर साइड एक डिसाइसिव ब्रेक नहीं देखते हैं तब तक इसी रेंज में ये ट्रेड करेगा। बैंकिंग देखिए कंपैरेटिवली बेटर है, बट अभी भी यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट ये है कि प्राइवेट बैंक्स में कुछ एक नाम ऐसे हैं जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिख रही है, बाकी सारे नाम अभी भी थोड़ा सा लैकलस्टर है। और कल के सेशन में जैसे हमने पीएसयू बैंक्स में देखा काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर, तो मुझे लगता है कि बैंकिंग थोड़ा सा अभी साइडवेज टोन को ही पकड़ के रखेगा। तो अभी इंडेक्स को ना फोकस करते हुए स्टॉक स्पेसिफिक आपको टोन मेंटेन करना चाहिए। तो दोनों ही नाम स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट पे, पहला नाम होगा गुजरात गैस, जहां पे कि काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है और कल के सेशन में काफी ज्यादा ट्रैक्शन था और एंटिसिपेटेड है कि ये मूव एक्सटेंड करेगा। 575 तक के लेवल्स यहां पे एंटिसिपेटेड है, 536 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे जी जो कि काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, स्टॉक अपने 52 वीक लो पे है, एक्सपेक्टेड है ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। 128 तक के लेवल्स यहाँ पॉसिबल है, यहाँ आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 141 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये है सलाह, ट्रेडिंग आइडियाज हमने आपको बताया जी एंटरटेनमेंट में बिकवाली करके चलिए 128 के लक्ष्य के लिए, और इसके अलावा गुजरात गैस में खरीदारी करने की सलाह 575 के लक्ष्य के लिए। और अजीत का भी यही मानना है कि बाजार में रेंज बाउंड सेशन ही देखने को मिलेगा और उसी के बीच में उतार चढ़ाव बना रहेगा मार्केट में। और इसका देखिए एक इंडिकेशन आपको इंडिया विक्स से भी मिल रहा होगा, इंडिया विक्स कल 13.5% ऊपर था, तो वॉलेटिलिटी जारी है और आगे भी बनी रहने की उम्मीद की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हुई बाजार पर, लेकिन अब खबरों वाले शेयर्स और नतीजे पर फोकस करते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद काफ़ी सारे वायदा बाजार से और मिड कैप कंपनियों के नतीजे आए हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा गुजरात गैस, यहाँ पे जो है नतीजे जो है एक टाइप से कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग आए हैं, एक टाइप से टर्न अराउंड देखने मिला है। जो कॉस्ट की होती है गैसेज की कॉस्टिंग वो लोअर साइड में देखने मिली, और वॉल्यूम्स की बात करें तो वहाँ पर एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। गुजरात फ्लोरो की भी नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट कमेंट्री भी स्ट्रांग आया है, और आगे जाते हुए जो रेवेन्यू पार्ट है ये भी जो है एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया है, तो नंबर्स भी ओवरऑल बहुत पॉजिटिव देखने मिल रहे हैं। सेलान एक्सप्लोरेशन हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा, स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन बहुत अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं यहाँ पर, रेवेन्यू लगभग 26% बढ़ रहा है, पैट तो डबल हो चुका है। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में बता देते कि लार्जली अच्छे नंबर्स आए हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग सेटअप नंबर्स आए हैं, पैट में 8% का ग्रोथ और रेवेन्यू में 35% का। नोवेलिस जो हिंडाल्को की आम है उनकी Q4 नंबर्स ऑपरेशनली इनलाइन आए हैं, और यहाँ पे रेवेन्यू 4% भागा है और एडजस्टेड एबिडा यहाँ पे 13% का ग्रोथ देखने मिला है। जो एबिडा पर टन की जो इंपॉर्टेंट नंबर होती है वो $540 प्रति टन पे है, और जो गाइडेंस कंपनी ने दिया था वो लगभग $525 प्रति टन था, तो 540 का जो है टोटल परफॉर्मेंस आया, तो स्लाइट अच्छी परफॉर्मेंस जो है देखने मिली है। गोदरेज कंज्यूमर्स के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन जो भारत के वॉल्यूम ग्रोथ नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो नंबर है लगभग 15% का ग्रोथ आया है और कमेंट्री भी पॉजिटिव आई है, स्पेशली जो रूरल रिकवरी है उसको लेके। हालांकि जो पैट के नंबर्स आप देख रहे होंगे जहाँ पे भारी गिरावट है वो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग है उनके अफ्रीका बिजनेस की, और कंपनी ने कह दिया है कि ये आखिरी एडजस्टमेंट है, अब पूरी रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। लुपिन भी फोकस में रहेगा, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू थोड़ी सी बिलो आई है, हालांकि रिपोर्टेड पैट में बिलो आई है, बट एबिडा मार्जिन लार्जली इनलाइन है, तो ओवरऑल जो है हम कह सकते हैं लुपिन के नतीजे इनलाइन देखने मिले हैं। वहीं रूट मोबाइल की बात करें तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स जो है हमें देखने मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, तो ये ढेर सारे नतीजे हैं इस पर की आज नजर रहेगी, काफी सारे मिड कैप और वायदा बाजार से जुड़ी आज कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए शरद। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में जो है मैरिको का कॉन कॉल हुआ था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें सुनने में आया कि अर्बन ग्रोथ मॉडरेट थोड़ी हुई है पर जो रूरल ग्रोथ है वो स्ट्रांग रही है फोर्थ क्वार्टर में, और हमने देखा डाबर का रूरल ग्रोथ में परफॉर्मेंस अच्छा आया था, और अन्य कंपनीज जैसे कि ब्रिटानिया भी कल देखे थे स्टॉक में अच्छी जो है उछाल देखने मिली थी, क्योंकि उनकी जो रूरल कमेंट्री है वो बहुत इनकरेजिंग आ रही है, और यहाँ पे भी वो एक्सपेक्ट करें कि जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो फर्स्ट क्वार्टर FY25 से ऊपर अप ट्रेंड करने लगेगा, यानी और बढ़ने लगेगा।
SRF के लिए थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है, क्योंकि गुजरात फ्लोरो कॉन कॉल में उन्होंने कहा कि US जो है थोड़ी एंटी डंपिंग रेफ्रिजरेटन गैस में जो है गिरा रही है, तो उसके कारण चाइना का प्लेयर्स को फ़ायदा हो सकता है। और उसमें जो अगर ये प्राइसेस रिड्यूस होती है इस केमिकल की, जो रेफ्रिजरेंट गैसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके कारण एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि SRF की जो डिवीजन है रेफ्रिजरेंट गैसेस की, वो 5% से एबिट उनका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एक नेगेटिव डेवलपमेंट SRF के लिए। अब इस्मा ने जो है इम्पोर्टेंटली भारत के शुगर मिल्स के जो एक्सपोर्ट डेटा है उस पर फोकस किया, वो बोल रहे हैं कि 2 मिलियन टन शुगर जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज शुगर स्टॉक्स में जो है ऑफकोर्स थोड़ी आज फोकस रहेगी। और जो अक्टूबर अप्रैल का जो सीज़न का शुगर आउटपुट है इथेनॉल यूज़ के बाद, वो ऑलमोस्ट 31.4 मिलियन टन रहने वाला है। अब बात करेंगे ओरिएंट इलेक्ट्रिक की, जहाँ पर वो अपने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपने ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैदराबाद में। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कल स्टॉक में भी हमने तेज़ी देखने मिली थी, स्टॉक 5% के ऊपर गया था। अब जो है उनका अनाउंसमेंट आई है कि जो EV आर्म है उनकी, वो लगभग 580 करोड़ जुटाने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर द्वारा। अब ये एक PE है, जी कैपिटल पार्टनर्स प्राइवेट इक्विटी फंड, उनसे वो रेज कर रहे हैं। HPCL के लिए भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बोनस इशू कंसिडर करेंगे 9 मई के मीटिंग में। वही BPCL के लिए भी बोनस इशू कंसिडर किया जाएगा 9 मई में। तो ये दो अहम बात HPCL और BPCL के जो नोट्स हैं बोनस के अनाउंसमेंट की, वो है आपका 9 मई को, तो इस डेट्स को ज़रूर याद रखिएगा। लुपिन ऑफकोर्स रिजल्ट तो आ ही गए थे, लेकिन उनको USFDA अप्रूवल भी आ गया है हाइपरटेंशन ड्रग का। और वही विप्रो की बात करें तो उन्होंने इम्पोर्टेंट कोलैबोरेशन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जहाँ पे वो जनरेटिव AI के जो प्रोफेशनल असिस्टेंट्स हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज को देंगे। ओबरा रियल्टी आखिरी स्टॉक रहेगा हमारा फोकस में खबरों वाले शेयर्स में, जहाँ पे वो रीडेवलप करेंगे ज़मीन को और प्रॉपर्टीज़ को वर्ली मुंबई के एरिया में। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फ्री सेल कॉम्पोनेंट रहेगा वो ऑलमोस्ट 6.24 लाख स्क्वायर फीट का रेसिडेंशियल स्पेस रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज है जो आज दिन के ट्रेड में आज फोकस में रहेंगे। ओके, तो काफ़ी सारे बयान आ रहे हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री आई है मेरिको की, खास करके इस पर नज़र रखिए। और इसके अलावा भी बोनस शेयर से जुड़े कुछ बोर्ड बैठक होने वाली हैं BPCL की, HPCL की, इस पर नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने की। बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की, गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तिथागर रेल के साथ, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने अभी इनिशिएट किया है ओवरवेट रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 1,285 रुपीज़ का। उनका मानना है कि कहीं पर रेल सिस्टम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है और उसमें तिथागर जो है वो एक बेनिफिशियरी के रूप में हमें उभरता हुआ देखने को मिल सकता है। इसी के साथ हमें आगे जाके अर्निंग्स में भी 28% का CAGR ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले 3 सालों में, और इसीलिए उन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो 1,285 रुपीज़ पर सेट किया है। अगली बात करते हैं इंडस टावर्स की, जहाँ पे मैक्वायरी ने डाउनग्रेड किया है रेटिंग अंडर परफॉर्म रेटिंग पे, जबकि टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 265 रुपीज़ पे किया है। उनका मानना है कि कहीं पे ग्रोथ विजिबिलिटी तो है, बट ये सब जो है वो प्राइस देने पहले से ही VI का जो बेनिफिट है इसकी वजह से ये जो टारगेट प्राइस है वो कहीं पे उन्होंने अपग्रेड किया है, बट आगे जाके उन्होंने EPS में भी कट किया है FY25 और FY26 के, इसी के लिए ये जो डाउनग्रेड किया है अंडर परफॉर्म रेटिंग पे वो हमें देखने को मिल रहा है इंडस टावर्स में। अगली बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिन पे ब्रोकरेज नोट्स आए नतीजों के बाद। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार ट्रेड की, जैसे हमने देखा कि नंबर्स कल आ चुके थे, इसी के साथ नमूरा ने अभी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 982 रुपीज़ पे बढ़ा दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे हमें एबिटडा में बीट देखने को मिला था, मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला, और आगे जाके जो फोकस रहेगा कैपिटलाइजेशन पे वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है कंपनी के लिए। अगली बात करते हैं लुपिन की, जहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ ने सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1,375 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि हमें देखने को मिला था कहीं पे कि उनके मुताबिक, कोटक सिक्योरिटीज़ के मुताबिक, कहीं पे ऑपरेशन में मिस देखने को मिला था उनको। US सेल्स अगर Q4 की बात करें तो $209 मिलियन पे है, जो जिसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला था 1.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और इसीलिए उन्होंने एक सेल रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं मारिको की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने अभी अपग्रेड किया है प्राइस 616 रुपीज़ पे, और ये जो ये है रेटिंग है वो भी उन्होंने बढ़ा के बाय रेटिंग पे किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसमें हमें देखने को मिल रहा है और आगे जाके वॉल्यूम लेड ग्रोथ भी हमें देखने को मिल सकता है मारिको में। अगली बात करते हैं हिंडाल्को की, क्योंकि JP Morgan ने अभी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 730 रुपीज़ पे बढ़ा दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पर नोविलिस का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो आगे जाके भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ नेट डेट टू एबिटडा अगर बात करें तो 2.3 times था Q4 में। ओके, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज काफी ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं जिस पर की फोकस रहेगा।
चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती। वंदना थैंक यू सो मच समय देने के लिए टीना स्वदेश को। बताइए आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें? जी गुड मॉर्निंग पूजा सर, हम लोगों ने काफी एक्शन पैक डे देखा था और सीज फायर में थोड़ी सी मतलब तब्दीली आई है जिसकी वजह से एक रिएक्शन गोल्ड में यहाँ पे आया है। तो मेरे ख्याल से आज के दिन गोल्ड में इनिशियली हम थोड़ा सा यहाँ पे फॉल आता हुआ देख सकते हैं क्योंकि कल काफी ज्यादा हायर साइड देखने को मिला था। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक बार फिर से बाइंग आएगी, एक करेक्शन का वेट करना चाहिए। करीब करीब 82,600 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। जो टारगेट होगा वो 83,500 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 82,150 का। मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर दोनों में अभी जो करेक्शन पे बाइंग कंटिन्यू रह सकती है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे लगातार फॉल आ रहा है। अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि एक बार 71,100 के करीब फिर से बाइंग करनी चाहिए। 71,450 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना होगा 70,850 का। तो दोनों कमोडिटी में आज के दिन भी थोड़ी सी बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। थैंक यू वंदना आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सिल्वर में खरीदारी कीजिए और इसके अलावा नेचुरल गैस में भी तेजी करने की सलाह 192 के लक्ष्य के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं एक खास बातचीत की तरफ। पीएम मोदी ने हमारे साथ खास बातचीत में कहा कि विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने सीधा निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सर्वे करवाकर संपत्ति का बंटवारा करवाना चाहती है। टाइम्स नेटवर्क पर पीएम मोदी का ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और इंटरव्यू में पीएम मोदी बोले कि 400 पार कोई नया टारगेट नहीं है। पीएम मोदी ने विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और सर्वे करवाकर संपत्ति का बंटवारा करेगी कांग्रेस, इस तरह की बात भी की। आइए आपको सुनवा देते हैं। जैसे ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात लेकर आए हैं, कोई मुझे बनाइए दुनिया के किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में इस प्रकार का प्रयोग हुआ है क्या? आप साम्यवादी विचारधारा की बात छोड़ दीजिए, इनके घोषणा पत्र में और उनकी स्पीचेज में जो बातें हैं आपको एक साथ मिलाकर के एक कैनवास पर रखनी पड़ेगी। ये लगातार बोल रहे हैं और सब बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कोई बाय द वे बोल रहा है, हर कोई बोल रहे हैं। और फिर उनके घोषणा पत्र में जो लिखा है और पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला है, मनमोहन सिंह जी ने दो बार पब्लिकली कहा है कि इस पर पहला हक मुसलमानों का है। और जब फिर आप सर्वे करने की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि हम सब ले लेंगे और बांट देंगे। जब आप ले लेंगे और बांट देंगे की बात करेंगे तो फिर वो किसको देंगे? तो जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था उनको देंगे। तो साफ साफ जो बातें होती हैं कि ये अलग अलग डॉट्स को जब बिठाते हैं तो रत्ती भर भी मेरी बात में क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं।